हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। रोहित शर्मा, ब्लॉगर एंड यूट्यूबर। दोस्तों आज हम जा रहे हैं लखनऊ, उन्नाव से लखनऊ। चाची घर पे थोड़ा काम था तो प्लम्बरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक का, तो वही करने जा रहे थे। चाची का कल कॉल आया था तो कल तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन आज हम जा रहे हैं। तभी यहाँ से हम पहले ऑटो से पकड़ेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद फिर सीधा लखनऊ के लिए निकल लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और अब ऐसे हमारे डेली ब्लॉग आप लोगों को मिलते रहेंगे। यहाँ उन्नाव से सीधा चार बाग जाएंगे और चार बाग से फिर ऑटो पकड़ के सीधा उनके घर पहुँचेंगे जो कृष्णा विहार कॉलोनी में है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, देखते रहें अपने भाई का न्यू ब्लॉग। अभी चले कस्टमर घर पे, वायरिंग किया था तो पेमेंट लेना बाकी है, तब इसको घर जाएंगे और पेमेंट लेंगे, फिर जाएंगे लखनऊ। तो चलते हैं उसी तरफ। और अब हम उसकी गली में आ गए हैं और ये रहा सामने मकान जिसमें हमने इलेक्ट्रिक का काम किया था। अभी गेट ठोकते हैं और फिर बाहर आएगा, फिर पेमेंट निकलने लेंगे और फिर निकल लेंगे। ये रहा घर, हम आ गए घर के अंदर। दादी क्या कर रही हो, कहाँ ऊपर आएगा, कहाँ भैया जी, मनीष भाई, अरे तुम उल्टा मोटर से पानी भर रही हो भैया। आज यार टाइम लगा है, हमने कहा मिलने मनीष भाई से, यार हफ्ता खा, हमने कहा चार दिन का टाइम देके हमने खुद उल्टा हुआ तो भर गए। कोई बात नहीं, उल्टा भरो सीधा पानी, पैपे नहीं करी। वीडियो बना रहे क्या? हाँ, हमने कहा मनीष भाई वीडियो बना दे, दादी बना लें, दादी हमारी फेमस हो जाएंगी, पता चले कोई दादा पसंद आ जाए, क्या दिक्कत। अरे मजाक कर रहे थे यार। और बढ़िया, हाय बोलो हाय। ये हमारे मनीष भाई हैं जिनके यहाँ काम किया था, अब इन्हीं से कुछ खर्चा पानी लेना है, उसके बाद लखनऊ जाना है। ठीक है लखनऊ, मनीष भैया थोड़ा जल्दी करो, लखनऊ जाना है भाई। तो पहले का नहीं बताओ। अरे पहले कैसे बताएं, हम तो एक हफ्ता पहले बतावा रहे, अब हमारी हाथे पाए टूट गए तो क्या करें। आईटीएम निकालो, नहीं नहीं नोटे यार जो बैंक में रखी हैं। ये दादी हमारी बैंक मैनेजर हैं, सारा लेना देना खर्चा बही खाता सब इनके पर रहता है, कभी भी आओ पैसा लेके चले जाओ। दादी एक बार हाँ बोलो ना, एक बार हाँ बोल दो, एक बार ऐसे हाँ हाथ हिला दो, अरे हिला दो, अरे तो क्या दिक्कत हुआ, को पसंद खोले कर रहा हो भाई, अरे बहुत अच्छा लग रहे हो, खूबसूरत ब्यूटी क्वीन। दादी लेकिन हमारे है बहुत मस्त आदमी, बहुत बढ़िया है। तो कहा है तसाब करो, घस जाइयो डिब्बा ढक्कन, फूटिए दूसरा आई। हाँ सही बात, फूटी तो आवाज आई बेकरी। तुम कर नहीं लाओगे काहे, कहा है गंगा, गंगा में क्या सुमिर रहे हो, कागज ना पूरा करवाओ आप, ये दे पूरे दे दो, वही कुछ ना रोको यार। देखो तुम इतना दिन टाइम दे दिया, तुम्हारा काम पूरा कर दो, कहा रोक रहे हो यार, यार ऐसा नहीं करो यार, मरीज भाई काम है यार तुमका, देखो तुम चार दिन का टाइम आ गए, तुमका हम दस दिन का टाइम दिया, सोचो ले ना यार, ऐसा ना करो यार मनीष भाई यार, धोखा रहते हो एन टाइम पे नहीं मान लो, हम तो तुम्हारे भरोसे इतना बड़ा प्रोग्राम ठान लिया, उन्नाव से लखनऊ जा रहे हैं, सोच लो पहली बार लखनऊ जा रहे हैं, ऐसा ना करो यार मनीष भाई, सुनो यार ऐसा ना करो यार, हम जाकर तुम्हारा पूरा काम कर दिया भाई, मैं यार ना रोको मान लो यार, समझा करो यार,
फिर यार बताओ। अच्छा तुम, अच्छा तुम तो तुम सत्ता बात सही है, लेकिन तुम 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 कहाँ करो, हमका 22 तारीख आज क्या तारीख है, तुम कह रहे कई 27 है, सोचो। चलो सर एक काम करो, 1000 और कर दो, बाकी 2000 बाद में कर दिए। अरे 1800 कर दो, लेकिन 100 रुपया तो भारी जोड़ दिए, तो बस 100 रुपया ना काटो, 100 रुपया तो भारी है, वही माना जोड़ दियो। हाँ तुम्हारे लिए स्पेशल आया ना, वह सोच लो दिल्ली देनी। हाँ को अच्छा, हम गांव वाले काम कर रहे हैं, नहीं जो बगल पड़ोसी तुम्हारे आते हैं। ये भैया मनीष भाई तो बहुत ज्यादा भी हैं, बने हैं डॉक्टर, लेकिन बीमार हम लोगों ने कर रहे हैं मनीष भैया को। मनीष भाई जल्दी आओ फटाफट, अच्छा 3000 ले आओ, बाकी बाद में ले आओ। ये देखो मार चंदा मिर्च लगाई नहीं करी है, कुमारी मारी खाए के आज कहाँ नहीं मरता चल रहे हैं का आए टट्टी ना है, टट्टी ना है क्या होती अच्छा गंगा ना है, हे भगवान का बताई हम अब आए। अरे हम तो आज नहीं बहन, अरे दुल्हन क्या करे, वो खुद पर नहा लीजिए मुंह धोए के सब जब सबको नहाई ले तो बिना नहा वाला को बच्ची, लेकिन हमारा सबका ना नहाई चाहिए, हम तो एक महाराज नहीं बहन ही बहन सिर्फ कान धोए भागी है और का एक अंग धो ले बहुत है, पूरा अंग पवित्र, ऐसा कहा छिनके देनी कहूँ वो पानी पड़ गया पवित्र है और का जोन महीना भरे मोटा एक दिन मना ऐसा धो डारो का मतलब भा और का यही मारे गंगा जितनी गंदी हुई गई नहाए नहाए। इधर मैं भाभी जी ने पूजा करे जा रहे हैं, ये भाभी है बोलो एक बार, राधे राधे बोले। हाँ राधे राधे, वाह 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 क्या बात है, बड़ी भाभी मेरी भक्ति लीन है, भक्ति काल के ही नहीं के हमारे। अरे मनीष भाई का एटीएम छापे लागे का हो, हाँ ये क्या बात है, सुबह सुबह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तीन हुई के, बाकी क्या तारीख, बाकी अब लेना 7 तारीख के बाद मिलना हमको, 7 तारीख बाद पक्का है। हम 10 तारीख तुमका टाइम दे रहे हैं। ओके ठीक, तो अभी निकालते हैं अपना बटुआ और रखते हैं अंदर। ओहो अब थोड़ी पर्स गर्माहट आई, ठंडी लगती है अब घर कहा, नोटन की दवा, डॉक्टर की दवा, नोटन की हवा आवे चाहिए समय समय पर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा पेमेंट हो गया है, मिलते हैं अपने मनीष भाई से और निकलते हैं लखनऊ के लिए। बाय बाय मनीष भाई, ठीक है। चलो दोस्तों अब चल रहे सीधा लखनऊ के लिए, अब यहाँ से सीधा ऑटो पकड़ेंगे, ये रास्ता है कि जा नन्ना मुन्ना। ओए हाँ बोलो, हाय 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 हाय, इतना शर्मा इतनी दुल्हनू नहीं शर्माती। वाह थोड़ी उजड़ ले तू, तुम गिर गिर पर तू एवं भैया मारुति मिलती, अच्छा मोटरसाइकिलें मिलती, हम तो ठेला वाले वाले रही थे घुस जाओ उत्तर प्रदेश रोड उन्नाव जंक्शन उन्नाव।
तो फाइनली हम लोग ये टिकट ले लिया लखनऊ की और अब सीधा जा रहा है प्लेटफॉर्म के अंदर, अरे रेलवे स्टेशन के अंदर, और फिर आगे मेमो बैठेंगे गाड़ी में। 9-2-13 नहीं होता यार, 11 होता जी। एक नंबर पे तो मालगाड़ी खड़ी है और अब चलते हैं फिर दूसरे 2 नंबर पे। ये गाड़ी कहाँ जा रही पता नहीं। कहीं तो जाएगी जाएगी। मम्मी रे इतनी चढ़ाई का है बना दे, लिफ्ट उफ्ट लगवा दूँ। वो सामने वाला ही है, लखनऊ वाली जा रहा मेमो। हाँ हाँ, हमको भी वही पकड़नी है। वही पकड़नी है। हाँ हाँ हाँ, आगे कहाँ पे? आगे अभी कानपुर पे। चलो आ गए हम। अभी मैं ये आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 3। हमारी जो ट्रेन है वो कानपुर से निकल चुकी है और लगभग गंगा जी के पुल के बीच में जो वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन होता है उस पर हमने चेक किया, तो समथिंग आधा घंटा या 20 मिनट लगेंगे कानपुर से आने में। उसके बाद फिर हम ट्रेन में बैठेंगे और निकल जाएंगे। तो चलते हैं, अब ट्रेन आने वाली है, फिर बैठते हैं और दिखाते हैं फिर आगे का नज़ारा। तब बने रहें। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। ससुर रुकी ही ना कहा। अबे गाड़ी है कि माल गाड़ी है? हाँ माल गाड़ी है। तबे माल से बड़े को सीट में बैठने सब खड़े उल्टा सीधा जैसे पड़े हैं। भर जाओ घुस जाओ अंदर। यह लखनऊ से और उन्नाव के पहले चले ली माल गाड़ी। अरे बाप रे, भाई इधर नहर जाने का रास्ता कौन सा? इधर ही है। तो फाइनली हम मानक नगर पहुंच चुके हैं और ब्याज जाएंगे नहर पे और नहर से सीधा पकड़ेंगे बैटरी और फिर पहुंच जाएंगे तेलीबाग। तेलीबाग से सीधा वृंदावन उपनगरी जहां चाचा जी रहते हैं। तो चलो पकड़ते हैं। तो फाइनली अब ऑटो मिला है, अभी हमको तेलीबाग उतारेगा सीधा। अच्छा वृंदावन उपनगरी जाना तो कहाँ से मिलेगा हमको? वहीं से। हाँ तो वहीं उतार देना जहाँ पे जाता हूँ। अच्छा यहाँ कितनी दूर जाता दूर है क्या तेलीबाग? 7 किलोमीटर। चलो भैया 7 किलोमीटर रास्ता होता है करते हैं। तो फाइनली हम गेट के अंदर घुस चुके हैं कृष्णा विहार कॉलोनी के जो सोसाइटी है जहाँ चाचा लोग रहते हैं, और यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ के जाएंगे पाठकपुरम। कृष्णा विहार कॉलोनी के अंदर भी एक छोटी सोसाइटी है जिसको बोलते हैं पाठकपुरम, उसी के अंदर वो लोग रहते हैं। चलिए चलते हैं उनके घर पे।
अच्छा लोग यहाँ समथिंग 2002 या 2003 से रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका रहते रहते। एक महीने पहले आए थे तो प्लम्बरिंग का और वायरिंग का काफ़ी वर्कर गए थे, पाइप डाल गए थे तो प्लस्तर हो रहा था। प्लस्तर तो अभी कम्प्लीट हो चुका है, दिवाली पे आ नहीं पाए, वरना दिवाली भी बुला रहे थे लोग। अब यहाँ से सॉरी तो अभी टाइम मिला है तो अब जा रहे हैं। ये सामने दिख रहा पाठकपुरम का गेट। भैया जी भाई बढ़िया है, ये है पाठकपुरम का गेट। तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, ये आ गया का घर। डोरबेल तो बजेगी नहीं क्योंकि डोरबेल तो हमने खोली थी, तो भी ऐसे गेट खोलते हैं। ये रहा चाचा जी का घर। देखो कौन गेट खोलता है। ये कोमल खोली है गेट, बोल रही इसके अंदर संदे हैं, गेट उठ खोल नहीं रही। ये कैसा व्लॉगिंग कर रहे हैं? ये हमें ने काम किया था। ये दादी है बेटी का, चश्मा लगाएगी। बने तो कहाँ भागे जा रहे हैं, मोबाइल गिरा दे रहे हैं।